जैसे कि गणेश पूजा मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, तो बिल्कुल वैसे ही मनाया जाता है यहाँ पे दुर्गा पूजा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज सुबह सुबह काफ़ी जल्दी उठ गया हूँ मैं, तकरीबन सुबह का 5 बजे होगा जब भी मैं उठा हूँ। और आज जो उठने का जो मेन रीज़न है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ बातें करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया होगा मैं अच्छे से आप लोगों के साथ बातें नहीं किया होगा। यहाँ पे व्लॉग बनाता हूँ, कॉन्टेंट में ही दौड़ता रहता हूँ। सो चलिए थोड़ा बहुत आज बातें हो जाए। सो अभी दुर्गा पूजा का टाइम आने वाला है 2 अक्टूबर से सप्तमी। जो लोग मेरे वीडियो को बाहर से देख रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के इस साइड से नहीं है, मतलब यहाँ पे बहुत यू नो धूमधाम से मनाया जाता है दुर्गा पूजा को। जस्ट लाइक इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम मुंबई, तो वहाँ पे जैसे कि गणेश पूजा मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, तो बिल्कुल वैसे ही मनाया जाता है यहाँ पे दुर्गा पूजा। और तो अभी दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल आने वाला है उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। एंड मेरा प्लान है कुछ दुर्गा पूजा का जो वीडियो में कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ, वो आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो बने रहे मेरे चैनल में। और साथ ही अभी मैं सुबह सुबह उठ के आया हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी तो अराउंड 7 बज रहा होगा, तो तकरीबन 9 बजे के आसपास मेरा ऑफिस का टाइम हो जाता है, तो मैं ऑफिस चला जाता हूँ, तो तभी मुझे टाइम नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का। और मैं चाहता था कि रेगुलर थोड़ा कुछ ना कुछ अपलोड करूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। सो आज थोड़ा मेन टाउन की तरफ भी जाते हैं, जाके देखते हैं कि कैसा हो रहा है पूजा का प्रिपरेशन। तो चलिए जाते हैं। और ऐसे आप व्यू देख सकते हैं, सुबह का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। अभी मैं फ़िलहाल मेरे घर के थोड़ा नज़दीकी ये हाईवे है, और हाईवे का व्यू कुछ अलग ही है। सूरज महाराज भी निकले हैं लेकिन बादलों से ढक चुके हैं, तो आप देख सकते हैं और रहा, और वैसे व्यू काफ़ी मस्त है। वैसे दोस्तों सुबह सुबह उठने का कुछ मजा ही कुछ अलग रहता है, लेकिन मैं इतना सुबह नहीं उठता हूँ, लेकिन आई एम ऑन इट। सो चलिए दोस्तों। सो दोस्तों मैं अभी हूँ लंकेश्वरी मंदिर में, और ये जो मंदिर है ये काफ़ी ओल्ड मंदिर है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। और शायद ये दुर्गा पूजा के लिए डेकोरेट किया गया है या तो फिर किसी और काम के लिए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद मुझे जो लग रहा है शायद दुर्गा पूजा के लिए डेकोरेट किया गया है। और मैं हर साल बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ कि लंका टाउन में हर जगह मंडप में पूजा होता है, लेकिन जो सभी लोग आके जो गैदर होते हैं तो इस जगह में गैदरिंग होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ होता है जो पूजा के टाइम में। और अगर नवमी का टाइम है तो आप यहाँ पे धक्के खाना पड़ेगा आपको अंदर में अच्छे से पूजा देखने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे दुकान वगैरह आपको दिखेगा, एक बकरी जा रहा है क्यूट सा तो खैर, तो काफ़ी सबसे बड़ा मुझे जो लगता है, मतलब बड़ा तो नहीं कहूँगा, ऐसे बहुत सारे काफ़ी खूबसूरत मंदिर भी बाहर में बनता है, लेकिन जो मेन जगह है सब लोग घूम फिर के यहाँ पे आते हैं, तो गैदरिंग होता है बेसिकली, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। सो चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पता नहीं कैमरे में अच्छे से आ रहा होगा नहीं आ रहा, कि काफ़ी बारिश हो रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सो दिल थाम के बैठिए, अभी मैं उस मंडप में जा रहा हूँ जिसको अभी 25 ईयर्स कम्प्लीट हो चुका है। पूरा 25 वर्ष से कम्प्लीट हो चुका ना। सो ये पूजा का मंडप है आप देख सकते हैं, तो इसको 25 ईयर्स कम्प्लीट हो चुका है। सो गाइस ये रहा लंका का नया ओवरब्रिज, टोटली कम्प्लीट नहीं हुआ है, उस साइड में आप देख सकते हैं कि रोड ब्लॉक करके रखा है, जब भी टोटली कम्प्लीट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे ये आप स्टेट बैंक देख सकते हैं, इसके ऊपर गुरुद्वार भी है, शायद अभी कुछ हो रहा है खैर। सो गाइस होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ अपना अगला व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी ब्रेव, हैव फन। Thank you.